हेलो, आज हम बनाएंगे चिकन स्टफ डिनर बन। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एकदम फ्लफी जैसा है ये, और इसके अंदर जो चिकन है वो भी ज़बरदस्त उसका टेस्ट है जो हमने बना के इसमें डाले हैं कुक करके। अभी हम शुरू करेंगे। अभी हम बन का सबसे पहले डो रेडी करेंगे। ये हाफ के जी मैंने मैदा ली हूँ। इसमें से 2 टेबल स्पून में बटर लूँगी, 1 एग है, 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ईस्ट लिए ड्राई ईस्ट, और 1 टीस्पून शुगर है, और 1/2 टीस्पून नमक, पानी। सबसे पहले हम ये आटा लेंगे, इसमें ये नमक शुगर ईस्ट ये डालेंगे, मिल्क पाउडर, और इसमें ये अंडे को भी शामिल करेंगे इसमें, और इसमें हम बटर ऐड करेंगे। अब इसको हम गूंदेंगे और इसमें पानी भी डालेंगे। पानी हमने इसमें वार्म वाटर लिए है, हल्का हल्का गुनगुना वाटर है ये। इससे हमको डो रेडी करना है इसका। अब ये हमने इसका अच्छा आटा गूंद लिए, इसमें 1 गिलास से ज़्यादा पानी लगा है, ये इस तरह का नरम रहना चाहिए आटा। अब इसको हम 2 घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे, और जब तक इसके अंदर की हम जो स्टफिंग है वो रेडी करेंगे। इसको इस तरह हम कवर करके रख देंगे। अभी हम स्टफिंग रेडी करेंगे। ये मैंने चिकन ली हूँ, बोनलेस है, इसको मैंने इस तरह से पीसेस करके रखी हूँ। ये 100 ग्राम है, और ये थोड़ा सा मैंने पास लिया, आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। 1 मीडियम प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप की हूँ। 2-3 कली मैंने लहसुन की ली हूँ, उसको भी मैं बारीक खुरच के डालूंगी इसमें, बारीक बारीक करके। 1 टीस्पून सोया सॉस है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है, और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक। अभी हम शुरू करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। अभी इसमें प्याज जो हमने काट के रखी है उसको डालेंगे। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमको इसको बेक करना है। इसमें गार्लिक भी डालेंगे हम साथ में। ये सारे मसाले हैं, चिली पाउडर, धनिया, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये सब इसमें हम डालेंगे। सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट वो भी डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें ये पासले है, इसको भी डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे कवर करके रखेंगे। अब हम गैस ऑफ करेंगे। ये पक चुका है अच्छी तरह से, खुशबू भी आने लगी है। इसको अब एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये डो अच्छी तरह से फूल चुका है। को 2 हिस्से में हम करेंगे।
इसमें हम ट्रे में लगाएंगे, पहले बटर लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं आप, ग्रीस करेंगे इसको, फिर थोड़ा सा हम इस पे आटे को स्प्रेड करेंगे। और ये जो हमने बना के रखा हुआ है बेल के, इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ये जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखे है, इसमें अभी हम कॉर्न डालेंगे थोड़ा सा, और ऑलिव डालेंगे कट करके, और इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने इसमें सारा मिक्स किया, चीज़, ऑलिव और कॉर्न को। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताते जा रही हूँ, सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई, क्योंकि कुछ लोग हैं बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है एक साथ सब दिखाने से। इस वजह से मैं आपको ये जब जब इसमें डाल रही हूँ तब वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हम इसको इस पे डालेंगे, जो हमने इसमें आटे को हमने ब्रेड के जो रखे हैं, ये इस तरह से इस पे हम फैलाएंगे। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने एक बार बनाया तो बार बार बनाते रहेंगे, इसका इतना अच्छा लगता है टेस्ट। इसको भी साइड में रखेंगे, और ये जो बचा हुआ आटा है हम इसको बेल के उसके ऊपर रखेंगे, अभी इसकी लहर बनाएंगे। इसकी लहर हम इसके ऊपर इसको बिछाएंगे इस तरह से। अब इसको हम कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए, और गैस को, ओवन को हम प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे। और ये मैंने अंडे की जर्दी ली हूँ, एक अंडे की, थोड़ी सी मैंने तेल ली हूँ। अभी हम इसको पीसेस करेंगे इसके। इसको बेक करने के पहले हमको इसका कट लगाना है, ये इजीली फिर ये पीसेस बाहर आएंगे इसके। और इस पे हम अंडे की जर्दी लगाएंगे, इससे शाइनी और अच्छा दिखे। इसमें हम थोड़ी तेल डालेंगे, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। अभी इसको हम ओवन में रखेंगे 15 मिनट के लिए बेक करने। ओवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, अब इसको हम रखेंगे टाइमर लगा के 15 मिनट का। ये हो गया है, अभी हम गैस ओवन ऑफ करके हम निकालेंगे। इसको बराबर 15 मिनट लगे हैं बनने में, बहुत अच्छा बना ये अच्छी तरह से। नीचे से एकदम परफेक्ट हो चुका है, ये गरम है, इसको भी हम पीस करेंगे। इसको इस तरह से निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है, और एकदम सॉफ्ट है, फ्लफी है एकदम से। इसका खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। बहुत गर्म, इसको देख सकते हैं आप, चारों साइड से एकदम फुल भरा हुआ चिकन, चीज़, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में।
मैं आपको बताना भूल गई, जब भी अगर ओवन से निकालते हैं ना तो इस पे ये जो किचन टॉवल है इसको डाल के रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और उसको खाने में भी अच्छा लगता है। फिर ये हो गया रेडी, हमने सर्व किए चिकन स्टफ डिनर बन। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में और बनाने के लिए तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।